हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ माय किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम सीखेंगे सेवई बनाना। तो ये है घी, हमारी कढ़ाई यहाँ हो गई है गरम, जिसमें हम डालेंगे घी। ठीक है, सबसे पहले काजू को भून लेते हैं। काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो बस हम इसे इतना ही भुनेंगे। अब मगजदाना, काजू के टुकड़े और किशमिश, इनको भी हम घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बस हो गया, इसके साथ हम सेवई को भी भून लेंगे। इसको कम आंच पे ही एकदम 2 से 3 मिनट तक भूनना है। जब तक हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, निकाल लेंगे क्योंकि ये भुन चुका है। बस उसी कढ़ाई में हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल लिया है, अच्छे से इसको और बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसमें सेवई और डालेंगे। तो जैसा देख सकते हैं आप लोग, दूध में बॉईल आ गया है। तो ये इलायची हम तोड़ करके इसमें डाल रहे, 2 इलायची है। और ये जो सेवई हमने भून के रखा था घी में, से भी इसमें ट्रांसफर करेंगे। वो अच्छे से इसको मिक्स देंगे। जब तक सेवई नहीं पकता तब तक हम इसे पकाएंगे थोड़े से कम आंच पे। ठीक है, तो मैंने फ्लेम कम कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लेम कम है। हल्का सा बॉईल आ गया है, थोड़ा सा पकने के बाद इसमें चीनी डालेंगे 1/2 कप और 1/8 कप मिल्क पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं काफ़ी ये सेवई पक चुका है इसमें। अभी ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बनाना और बना करके बताना कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज एंड मेरी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। थैंक यू।